ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है कौमी हुकूमत के हवाले से, पीपल्स पार्टी और पीमल क्यू का जो इतिहाद हो रहा है, दीगर सियासी जमातें इसको कैसे देख रहे हैं? मुशाहिदुल्ला खान साहब, आप कुछ पॉइंट उठाना चाह रहे थे कि खासा आप इंजॉय कर रहे हैं इस सिचुएशन से? बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ। और मैं देखें, आदमी जिस वक्त आदमी दलायल तराशता है ना, तो बड़े बड़े अजीब और गरीब, जैसे ये तलाश तराशा गया था एक दलील के जी वो तो परवेज मुशर्रफ साहब को कातिल लीग कहा था, हालांकि वो कहीं पे भी सदर नहीं है बाकायदा इनके। लेकिन अब जब दलील तराशनी है और बाल की खाल उतारनी है, वो ऐसे ही उतारी जाती है। हालांकि इससे ज्यादा बेहतर होता अगर ये कहते कि भाई वो जिस तरह महबूब को कहते हैं ना काफिर महबूब है, हालांकि वो काफिर तो नहीं कह रहे होते, इसी तरह इन्हें भी कातिल कह दिया था हमने, तो वो ज्यादा बेहतर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कौमी हुकूमत की जो बात है, देखिए कौमी हुकूमत बात कर देना, तो कौमी हुकूमत क्या चीज होती है? कोई इमरजेंसी लगी हुई हो, कोई जंग हो रही हो, अचानक कोई आफत आ जाए, कह रहे मुल्क के हालात खराब हैं, कोई हालात खराब नहीं है। मैं कहता हूँ कोई सी कौमी हुकूमत की जरूरत नहीं है। असल बात यह है कि देखें अपोजिशन कौन करेगा अगर कौमी हुकूमत होगी, तो कौन इनकी, ये जो अगर फर्ज करो चार करप्ट लोग मिल के हुकूमत में बैठ जाएं और ये कहें कि जी ये कौमी हुकूमत है, तो उसको बताएगा आप इसको नहीं मानते? लेकिन दूसरी जानिब जो कंसेंसस हो रहा है उनका, सराइकी और हजारा सूबे पे पीएमएलक्यू का कंसेंसस हो रहा है, कमीशन बना दिया जाएगा दो सूबे बनाने के। देखिए ये सारे नॉन इश्यूज हैं, ये सिर्फ देखिए 3.25 साल गुजार दिए हैं इस मुल्क के अवाम रो रहे हैं, और ये चले हुए जो कारतूस है ना पुराने, देखे ना इस काफ लीग से ये पूछा जा सकता है ना कि भाई परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज के जमाने में आप आखिर वक्त तक कहते रहे कि जी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, वो आया इस मुल्क के गरीब पे? नहीं आया। अच्छा ये वही चले गए कारतूस हैं, अच्छा ये वाला जो दूसरा कारतूस है हुकूमत का, ये तो कह रहे हैं ये नहीं, बुलेजी साहब 3.25 साल से हुकूमत अच्छा, तो कर रहे हैं ना अच्छा, तो वो भी चला हुआ भी 1 साल रहे। अच्छा हमारे तो 35 दिन की हुकूमत 40 दिन पूरा नहीं किया। मुझे जी बोलिए जी रोशन साहब, बात यह है देखें इन दोनों में एक चीज मुश्तरक है, वो क्या? वो ये कि जब काफ लीग बनाई गई तो जेलों से करप्ट लोगों को निकाल के वजीर बनाया गया, सुन ले मेरी बात, और आज भी पीपल्स पार्टी के करप्ट वजीर जेलों में है और बाकी कुछ बाहर। आसमान ने इसका जवाब दिया। जी नौशीन साहब बिल्कुल काफी इतराजात उठाए गए आपके हवाले से। ये बात पीपीपी को या मुशाहिदुल्ला साहब को बुरी लगे, लेकिन एक्चुअल ट्रूथ ये है कि जिस वक्त मुशर्रफ साहब पीएमएलक्यू बना भी रहे थे तो टॉप क्रीम ऑफ नवाज शरीफ वेंट इन टू पीएमएलक्यू, उसके बाद जो एक फैक्शन बना टॉप क्रीम ऑफ पीपीपी वेंट इनटू पीएमएलक्यू, सो ऑल द केपेबल एंड ऑल द टॉप क्रीम आर सिटिंग इन पीएमएलक्यू, हु कैन डिलीवर। अच्छा एक सेकंड मुशाहिदुल्ला साहब मुझे इजाजत दे दे प्लीज। दूसरा, मुशाहिदुल्ला साहब ने कहा है कि चले हुए कारतूस, तो सबसे पुराने चले हुए कारतूस तो नवाज शरीफ साहब है। हमने तो डिलीवर किया ना। अच्छा, हमने सर अगर आपने डिलीवर किया होता तो 1999 का कू ना आता, आप मुशर्रफ को लेके आए, आपने उसको सुपरसीड करवाया। नो डोंट से दैट। देखिए हम क्या हालात थे उस वक्त, कोई बड़े बुरे हालात थे सर? वी वर अ फेल्ड स्टेट, वी वर अ फेल्ड स्टेट। ये तो परवेज मुशर्रफ कहता है ना, उसकी जबान आप बोल रही है ना, उसने अपने आप को जस्टिफाई करना था। और आप लोग अपने मोहसिन को, अपने लीडर को छोड़ के एक डिक्टेटर के साथ मिल गए जिसने इस मुल्क के आइन को तोड़ दिया, अब आप आइन की बातें कर रहे हैं? आपकी तो मेमोरी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, काजी हुसैन अहमद से लेके छट्टा साहब से लेके इमरान खान से लेके, अगर आपको याद हो एक मूवमेंट चली थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आईएसआई के कहने पे। नहीं देख, ये तो छोड़े ना, अब किसके कहने पे क्या, लेकिन चली थी ना। छोड़ू क्यों? अच्छा, जिसके कहने पे चली थी वो सारी दुनिया को पता है ना। ये तो बाद में लोग किताबें लिखी गई हैं, आप जरा पढ़े तो सही, ये तो सारा पता लग गया था बाद में। दूसरी बात किसने चलाई थी और किसने फंडिंग की थी? लेकिन मैं चले, मैं आप बिल्कुल जवाब दे रही है जो इतराजात उठाए जा रहे हैं, मैं आसमान से पूछ लूँ, आखिर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बोल जी बोले आसमान जी बोलिए। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, अभी इन्होंने कहा है ना कि जी मुशर्रफ की कातिल लीग या ये वाली, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को समझ ही नहीं आई कि उनकी हेट्रेड फॉर मुशर्रफ इतनी थी कि जरदारी साहब ने उनको यूज किया टू गेट रिड ऑफ मुशर्रफ एंड बिकम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। ये भी इस्तेमाल हुए, ये गलती किसकी है? ये नवाज शरीफ की है, पार्टी आपको इस्तेमाल करने जा रही है,
पीपल्स पार्टी आपको लग नहीं कुछ रहा ऐसा इस्तेमाल करने जा रही है? बजट के बाद क्या होगा क्योंकि नए मनी बिल पे काफी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये हमारी पार्टी में डिस्कस हो चुका है, हम बाकियों के लेसन से सीख के हम जो भी कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे, गारंटी के साथ करेंगे, लिखत पढ़त के साथ करेंगे। चले बिल्कुल साथ देने जा रहे हैं। क्या आपको आपकी चले गवर्नमेंट है, आपको एक फ्रेंडली अपोजिशन भी मिली, दीगर सियासी पार्टीज भी आई जो इत्तेहाद में शामिल रही, फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप तमाम मसाइल जिसे कहते हैं आप हल नहीं कर पाए और फिर आप सबको दावत देते हैं कि जी आए हमारा साथ दें मसाइल हल करने? पहले मैं चीज यहाँ क्लियर करूँ, बहुत बड़ी सियासी कुवत है पाकिस्तान में, हम कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं? उनका अपना मंशूर होता है, अपनी अपनी स्टैंडिंग होती है माशरे में, आवाम में। तो पीपल पार्टी इनके लीडरान को दे बड़े इनलाइटेंड हैं, बहुत बड़े बड़े लीडरान हैं, उनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले तो ये चीज़ कहना भी बहुत गैर मुनासिब है कि हम किसी लीडर को इस्तेमाल करते हैं। हर सियासी पार्टी का अपना मंशूर होता है और उसके तहत पीपल पार्टी का एजेंडा नंबर वन डे वन से ये है कि मफाहमती सियासत हम कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस मफाहमत ने को क्या दिया? दूसरी आप मुझे बताएं, कोई सियासी कुव्वत जिसके साथ छोटी बड़ी हम सबको तस्लीम करते हैं, उनके साथ कोई कोलिशन में आने के लिए या उनमें इतनी एब्जॉर्प्शन है? अगर आप एमक्यूएम की बात करते हैं, उनकी अपनी कुर्बानियां, मुल्क छोड़कर 1947 में जो उनकी कुर्बानी है, एएनपी की अपनी, इनकी अपनी, चले सबकी कुर्बानियां, सबको सबको हिस्सा देना चाह रहे हैं जी, बिल्कुल बोले। दूसरी बात इन्होंने की सराइकी और हजारा की, यहाँ पर मैं क्लियर करूँ कि देखें ये एक अवामी मुल्क है जिसमें हम कहते हैं जमहूरियत है, जमहूरियत के तहत हर किसी को राइट है कि वो हम उसको कंडेम नहीं कर सकते। आप इसको सपोर्ट करते हैं सराइकी और हजारा सूबा जो बनने जा रहे हैं? जब पहले मुझे मैडम छोड़े, मुझे मैडम जो सूबे की बात करते हैं, बिल्कुल मैं हिमायत करता हूँ कि जितने सूबे बनाए जाए उसमें कोई नहीं। देखिए एक बात यह है कि ये जो मुफाहमती बार बार बात करती है हमारी, मैं बड़े एहतराम है और मैं हर सियासी लीडर का एहतराम करनी चाहिए, लेकिन मैं 3 साल से जिन जमायतों से उन्हें एहतियात किया, ये एक एक होकर क्यों निकल गए? अच्छा ये टाइम को ओवर करना है कि टाइम हमारी इकदार को तूल मिले। अभी ये काप जो उसकी पोजीशन है पहले से कि उसकी क्या किरदार है, ये जो मिनिस्टर बन रहे हैं पिछले दौर में अवाम के पास इसकी क्या किरदार रही? मैं समझता हूं कि इसको सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए, अवाम इससे मुतमिन नहीं होगी और अवाम, मैं समझता हूं कि ये क्यों, ये अखलाकी तौर पर नहीं कहेंगे कि जी हम नाकाम हो चुके, मिड टर्म इलेक्शन का एक ऑप्शन मौजूद है, अब अवाम के पास जाने इशारा कर रहे हैं कि अवाम के पास जाना सही करे। मुझे बिल्कुल नसीब है, मुझे ब्रेक लेने आसमान, मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये अवाम को गुमराह की जो बात है।